एक व्यापारी व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता था। बीच में रेगिस्तान का कुछ इलाका पड़ता था। वह आदमी एक नेगेटिव सोच वाला इंसान था। हमेशा शिकायत करता रहता था कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इसकी कमी है, उसकी कमी है। एक दिन वह रेगिस्तान में से गुजर रहा था, तभी उसकी पानी की बोतल खाली हो जाती है। उसे बड़ी जोर की प्यास लग जाती है, लेकिन रेगिस्तान में पानी ना मिलने की वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि कितना खराब जगह है, ना कोई पेड़ ना पानी, रास्ता भी लंबा है, रेगिस्तान पार करना पड़ता है। तभी आसमान की तरफ देख करके कहता है कि भगवान ने कैसा जगह बना दी है आपने, मगर मेरे पास में बहुत सारा पानी होता, बहुत सारे संसाधन होते तो इस जगह पर हरियाली कर देता, बहुत सारा पेड़ लगा देता। वह आदमी ऊपर देखकर ये सब बातें कह रहा होता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे ऊपर वाले से जवाब का प्रतीक्षा कर रहा हो, भगवान कुछ कह दे। अब चमत्कार ये हुआ कि वह जैसे ही नीचे देखा उसे अपने आंखों के सामने एक कुआं दिखा। वह पूरी घबरा, क्योंकि उसने कभी भी उस रेगिस्तान में कुआं नहीं देखा था। वह कुएं के पास पहुंचा और देखा कि कुआं पूरी तरह पानी से भरा हुआ है, परंतु वह आदमी निगेटिव सोच वाला था और हमेशा शिकायत करता रहता था कि फिर से आसमान की तरफ देखते हुए बोला, भगवान पानी से भरा हुआ कुआं तो दे दिया, लेकिन पानी निकालूंगा कैसे। तो इस बार जब वो नीचे देखा तो फिर से चमत्कार हुआ। उसे कुएं के पास रस्सी और बाल्टी दिखाई दी, लेकिन आदमी फिर से ऊपर देखा और बोला, भगवान अब इस पानी को ले जाऊंगा कैसे। तभी उसको एहसास हुआ जैसे उसके पीछे कोई है। वह पीछे मुड़कर देखा तो एक ऊंट खड़ा हुआ होता है। वह पूरी तरह से घबरा गया, सोचने लगा कि ये तो सच में होने लग रहा है, मैं बातों बातों में कह तो दिया, अब मुझे यह हरियाली करनी पड़ेगी और पेड़ लगाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आदमी को पानी से भरा हुआ कुआं मिल गया, बाल्टी और रस्सी मिल गई, पानी को ले जाने के लिए ऊंट भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब वो आदमी सोच रहा था कि ये मैं बातों बातों में क्या बोल दिया, ये तो गड़बड़ हो गया। अब वह तेजी से दौड़कर भागने लगा। वह भाग रहा था उस जिम्मेदारी से, बच रहा था, तभी एक कागज उड़ते हुए आया और इसके शरीर से चिपक गया। उसने जब उस कागज को देखा तो ऊपर से लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें पानी दिया, कुआं दिया, रस्सी और बाल्टी दिया, पानी को ले जाने के लिए साधन दिया, फिर भी क्यों बचकर भाग रहे हो। उस आदमी को लगा कि मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। वह दौड़ते दौड़ते रेगिस्तान को पार कर लिया, लेकिन उस रेगिस्तान को हरा भरा नहीं बना पाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बड़े स्कूल में पढ़ लिया होता या बड़े कॉलेज में चला गया होता तो ये कर लेता, मगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो ये कर देता, मेरा बॉस मेरा साथ नहीं देता, नहीं तो मैं पता नहीं क्या कर देता। हम हमेशा ऐसे शिकायत ढूंढा करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से बचकर भागा करते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि लाइफ में हमें जो कुछ भी कर रहे हैं 100% जिम्मेदारी हमारी है, कि उस काम को बिना किसी शिकायत के पूरा करें तो दूसरों पर दोष देना, उनकी गलतियां बताना बंद कीजिए, अपनी गलतियों को सुधारना शुरू कीजिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी राय हमें जरूर दें कि आपको किस चीज पे हम अगली कहानी लेकर आए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपना कमेंट जरूर हमें करिएगा। धन्यवाद।